नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में स्वर्णकार कारीगर समिति के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में स्वर्णकार कारीगर समिति के संस्थापक रवि दाना वाले ने बताया कि ये होली का पर्व भाईचारा का पर्व है। इसमें स्वर्णकार कारीगर समिति के द्वारा हम लोग उनके दुकानों पर जाकर रंग लगा रहे हैं, जिससे लोगों का आपसी भाईचारा बना रहे और लोग इसी तरह से मिलजुल कर कार्य करते रहें। इस अवसर पर स्वर्णकार कारीगर समिति के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए स्वर्णकार कारीगर समिति के संस्थापक रवि दाना वाले ने कहा, ये होली का पर्व भाईचारे का है और हमारे स्वर्णकार कारीगर कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष त्रिभुवन भाई का बहुत ही बड़ा सहयोग है कि जो आज ऐसे सभी हमारे व्यापारी बंधु और कारीगर बंधु सब एकजुट हुए हैं और भाईचारे का अपना एक संदेश देते हुए सभी दुकानदारों से कारीगरों से होली मिलन एक समारोह बनाया जा रहा है। ये सारे लोग एक साथ नहीं जुट पाते हैं तो चलो हम लोग उनके दरवाजे जा करके सौहार्द का एक अपना पारिवारिक सम्मेलन हो जाए और होली मिलन का, यही मेरी कामना है, आशीर्वाद है लोगों से कि हमेशा ये लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे कार्य को करते रहें हमेशा, कि जिससे स्वर्णकार कारीगर कल्याण समिति हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे। रवि दाना वाले, संस्थापक स्वर्णकार कारीगर समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ हवन किया। रंग उत्सव के खास और विरासतपूर्ण आयोजनों में शामिल होने के सिलसिले में मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रविवार से गोरखपुर प्रवास पर हैं। रविवार शाम को वो पांडेहाता से निकलने वाली होलिका दहन शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए तो मंगलवार को घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उत्सवी वातावरण के इस बेला में सोमवार सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ से लोक मंगल एवं चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर आवास के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को विल्व पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित कर दूध एवं गन्ने के रस से दुराभिषेक किया। मठ के विद्वत पुरोहितगण ने शुक्ल रजुवेद संहिता के रुद्राशयी थ्याई के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीच हवन व आरती की। विधि विधान से पूर्ण एवं अनुष्ठान के उपरांत उन्होंने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धिमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, अश्वनी त्रिपाठी आदि भी उपस्थित रहे। मृगा अघाय गोपिधन्न स्वाहाय सूतंगीत